परासिया में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने घाट पहुंचकर सूर्य देव की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पहले दिन नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन निर्जला उपवास के साथ खरना मनाया जाता है और अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की उपासना काफी फलदायी मानी जाती है। छठ को लेकर कहा जाता है कि इसका उल्लेख रामायण में भी है। लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिकेय शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और भगवान सूर्य की आराधना की थी। छठ का पर्व सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। श्रद्धालु कच्चे बांस से बने सूप और डाल में कम से कम 5 फलों और मिठाइयों और गन्ने को सजाकर छठ घाट तक ले जाते हैं और डूबते सूर्य के तरफ मुंह करके गाय के कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस पर्व की समाप्ति होती है एवं पुरुष भक्ति भाव से पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की उपासना करते हुए सूर्य भगवान को गाय के कच्चे दूध से अर्घ देते हैं। परासिया न्यूटन नगर परिषद में देवी जागरण के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी छठ माता का पर्व झुर्रे कालोनी के माध्यम से इस मंदिर प्रांगण में सम्पन्न हो रहा है। छठ माता के इस पर्व पर सभी भाई बहनों को देशवासियों शुभकामनाएं पेश करता हूँ। निश्चित रूप से कई वर्षों से हम लोग सब लोग मिलजुल कर छठ माता की पर्व पर छठ माता की पूजा करते हैं और ये हम लोगों की सत्य श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से छठ माता से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे परासी विधानसभा क्षेत्र में प्रगति हो, नीति हो, विकास हो। यहाँ पर सब मिलजुल के भाईचारे से हर त्यौहार को हर धर्म को मानते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।